दीपावली पर होने वाले प्रदूषण को लेकर नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। तय मापदंडों के अनुसार पटाखे चलाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही होने वाले प्रदूषण के लिए टीमें भी नियुक्त की गई है। हर वर्ष मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टीमों का गठन किया जाता है, जो दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करती है। इनसे प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। इस बार भी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। यह अभियान आने वाले पर्व दीपावली को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। दरअसल दीपावली पर्व पर बड़ी संख्या में आतिशबाजी होती है, जिसकी वजह से प्रदूषण काफी अधिक बढ़ जाता है। त्योहार की परंपरा बनी रहे और प्रदूषण ना हो, इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कम डेमिसेल के पटाखे फोड़ें, इसके साथ ही इको फ्रेंडली आतिशबाजी करें। इसके साथ ही आतिशबाजी को लेकर समय सीमा भी तय की गई है। आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी। इसमें हर साल की तरह एक तो पहले हम लोग एडवाइस करेंगे कि इको फ्रेंडली फटाके के लिए मतलब शासन की तरफ से निर्देश हैं, जिसमें उनकी जो इंटेंसिटी है उसका डेसीमल कम होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ऐसा रहेगा कि दिवाली के दिन जो भी क्रैकर्स या जो भी चलाए जाएंगे तो उसका टाइम निश्चित चूँकि किया गया है, और दूसरी चीज़ इसकी मॉनिटरिंग का काम बोर्ड द्वारा किया जाता है, और इसके रिजल्ट्स और परिणाम देखकर जो पर्टिकुलेट मैटर्स है 2.5 या PM10, इसके अलावा जो गैसियस एमिशंस होते हैं उनको अभी मॉनिटर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है।